वंदे मातरम, 8 जुलाई 2021 सायं 8 बजे, और वादे के अनुसार गुरुवार को आप सभी से मिलने के लिए उदय मन्ना उपस्थित हो गया है। और हम लोग बात करेंगे सकारात्मक, और दो व्यक्ति जो आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए थे पिछले कुछ दिन पहले, उनका निधन हो गया, तो उनको श्रद्धांजलि देंगे हम लोग। और सकारात्मक सॉन्ग से लक्की पाल्टा जी, धन्यवाद सबसे पहले आप जुड़े। और सकारात्मक सॉन्ग से लाइव की शुरुआत करते हैं। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाओ, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए, ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए, सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। जी हाँ, तो ये जो सकारात्मक भारत आंदोलन है, ये भारत के लोगों को, भाई बहनों को जगाने का भी है, क्योंकि अगर आप अपने और अपनों के लिए सकारात्मक रहेंगे तो निश्चित रूप से उसका असर माहौल पे पड़ेगा, और एक ऐसा माहौल बनेगा जिसमें आपकी एनर्जी लेवल काफ़ी बढ़ जाएगी। और आप लोग अगर, क्योंकि ये फेसबुक फ्रेंड्स और आरजेएस फैमिली जो 25 राज्यों की है, और यहाँ पर हम लोग बातचीत करने के लिए मैं आप लोगों से बातचीत करूँगा। लक्की पाल्टा जी और अनिल कुमार जी दिख रहे हैं, एक और भाई या बहन है, यहाँ पे कैमरे पे नहीं आ रहे हैं, तो आप लोग ज्वाइन करने का रिक्वेस्ट भेजेंगे तो हम यहाँ ऐड कर लेंगे आपको, क्योंकि ये जो सिलसिला शुरू किया गया है वो इसीलिए शुरू किया गया है कि हम लोग कुछ बातचीत कर सकें, और जो कुछ भी आपके मन में है उन चीज़ों की यहाँ चर्चा कर सकें। और आप देखिए, ये कार्यक्रम आप लोगों के लिए, आरजेएस फैमिली पॉजिटिव मीडिया के लिए आ गया है। 24 जुलाई को ये कार्यक्रम होगा, पॉजिटिव इंडिया मूवमेंट। वैसे 12 बजे का समय है, तो इसका आप ध्यान रखें, ये कार्यक्रम आप लोगों के लिए ही है, और उसका लिंक जो है, जब आप लोग रिक्वेस्ट भेजेंगे ग्रुप में, आरजेएस फैमिली ग्रुप में भेजा हुआ है, और बहुत से लोगों के पास मेरा नंबर भी होगा, तो ये सिलसिला कोई पढ़ के बताने वाला नहीं है, ये जस्ट, जैसे मैंने लता जी को ऐड करने की कोशिश की है, तो जो कुछ आपके मन में है, जो कुछ भी आप सोचते रहते हैं, उसको यहाँ पर बता सकते हैं, उस पर और लोग भी सुनेंगे, फिर ये यूट्यूब पे, इस लाइव को यूट्यूब पे लगा दिया जाता है, और सभी जो ग्रुप में हैं लोग, उन लोगों का भेज दिया जाता है। तो ऐड कर रहा हूँ, एडिंग देख रहा हूँ, लकी पाल्टा जी आपका ये नाम यहाँ पे शो हो रहा है, आप कमेंट में कुछ लिख सकते हैं, तब तक हम जानकारी का भी सिलसिला शुरू करते हैं। आप जानते हैं 8 जुलाई है, तो 8 जुलाई का दिन भारत के इतिहास में, थोड़ा थोड़ा हम लोग जनरल नॉलेज की भी बात कर लेंगे, क्योंकि जो लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन या हैं भी, उनका जन्म कब हुआ था, तो 8 जुलाई को जो पश्चिम बंगाल है, वहाँ के दो महान विभूति कह सकते हैं, इनमें पहली शख्सियत तो महान राजनीतिज्ञ ज्योति बसु जी का नाम सुने होंगे, और देखिए ऐड नहीं हो पाए, तो रिक्वेस्ट के लिए ज्वाइन, यामिन मलिक जी आप जुड़े हुए हैं, लक्की पाल्टा जी, तो
आप जब तक यहां भेजेंगे नहीं तब तक यहां पे नहीं शो हो पाएगा। मैं कुछ और लोगों को इनवाइट कर देता हूं, क्योंकि ये बातचीत करने का ही सिलसिला शुरू किया गया है। ये गुरुवार, शनिवार, रविवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार, ये 3 दिन हफ्ते में हम लोगों ने कोशिश की। 24 जुलाई सकारात्मक भारत दिवस है और उस दिन हम लोग वेबिनार भी कर रहे हैं, फेसबुक लाइव भी होगा। 8 बजे से फेसबुक लाइव होगा, लेकिन 12 बजे से आपको वेबिनार होगा और कोई भी उसमें जुड़ सकते हैं। बस ये है कि वो जानकारी देनी होगी कि आप अपना नाम वगैरह यहाँ पे भेज देंगे तो हम लोग लिंक भेज देंगे। यामिन मलिक जी, आप ऐड करने के लिए आप भेजिए, आपसे बातचीत हो जाएगी। क्योंकि चीजें तो जैसे ज्योति बसु जी की चर्चा कर रहे थे, जानना चाहिए। और यामिन मलिक जी तो खुद ही नॉलेज रखते हैं इन सब चीजों का। अनिल कुमार जी जुड़े हैं, लकी पाल्टा जी जुड़े हैं अभी। हाँ, सलमानी जी जुड़ गए हैं, नफीस सलमानी जी। तो आप हाँ वहां से रिक्वेस्ट भेजिए, भारत न्यूज के नाम से हैं। तो मैं ऐड का बटन दबा देता हूँ, देखिएगा सलमानी जी, अगर आप जुड़ गए तो हम जो हम लोगों के दोस्त थे पत्रकार, वॉइस ऑफ पॉलिटिक्स और राज सहारा, और बिहार से जुड़ गए हैं, बिहार से जुड़ गए हैं अल्ताफ हुसैन जी। तो आप देखिए, नफीस सलमानी जी, आपके पास कोई ऑप्शन जा रहा होगा तो उसको क्लिक कर दीजिए, आप जुड़ जाएंगे। तो हम लोग श्रद्धांजलि अपने भाई पत्रकार को दे देंगे। ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी, प्रभारी सूचना केंद्र पटना, जुड़ गए हैं। हाँ, कनेक्ट हो गए हैं। नफीस सलमानी जी, नफीस सलमानी जी, आप कनेक्ट हो रहे हैं। नफीस सलमानी जी, नफीस सलमानी जी दिल्ली में है, भारत न्यूज एक यूट्यूब चैनल है उसको चलाते हैं, अच्छी खबरें देते हैं और आरजेएस से जुड़े हुए हैं। और आरजेएस में जब द बुक लाइन, आप जानते हैं कि सुनील भानोट जी ने, स्वर्गीय सुनील भानोट जी ने जब पुस्तक विश्व पुस्तक मेले में बैठक की थी तो नफीस सलमानी जी भी आए थे। एक दो बैठकों में नफीस सलमानी जी आए हैं। नफीस सलमानी जी, मैं कनेक्ट कर रहा हूं लेकिन अभी कनेक्टिंग यहाँ दिखा रहा है लेकिन आप जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो आप देखिए, कोई ऑप्शन आपके स्क्रीन पे आया है क्या? अगर स्क्रीन पे आया है तो उसको आप बटन दबा दीजिए और आप लोग अपना भेजिए, रिक्वेस्ट भेजिए, क्योंकि आप भेजेंगे तभी हम कनेक्ट कर पाएंगे। तो हम लोगों के दोस्त थे, उनको श्रद्धांजलि, हम लोग 2 लोगों को श्रद्धांजलि आज देंगे। ग्रुप में भी आपने देखा हो, आसिफ खान साहब जुड़ गए हैं। अब आसिफ खान साहब, आप भी भेजिएगा रिक्वेस्ट, हम लोग बात करेंगे। अपने मोहम्मद अनस सिद्दीकी साहब को आज श्रद्धांजलि दी जा रही है, आप सभी लोग उनसे उनको जानते हैं, तो आप लोगों के साथ कुछ बातचीत हो जाएगी, उनकी आत्मा को शांति मिले, हम लोग यही आज के दिन सोचे हैं कि उनकी आत्मा को किस तरह से शांति मिल सकती है, कुछ उनकी बातचीत करेंगे। नफीस सलमानी साहब, आप ऐड नहीं हो पा रहे हैं, एक बार और ट्राई कीजिएगा। आसिफ खान साहब को अब मैं ट्राई कर रहा हूं, ऐड करने का बटन हमारे पास था लेकिन अभी प्रॉपर आप लोगों के यहाँ से वो रिक्वेस्ट नहीं आया आ रहा है। आसिफ खान साहब, अगर आप जुड़ गए तो इस सिस्टम से और लोग भी जुड़ जाएंगे। आसिफ खान साहब, आप देखिए, अब अपने स्क्रीन पर देखिए। तब तक वो ऐड, सुनीता राखी रंजन जी, आरजेएस फैमिली तो काफी संख्या में जुड़ी हुई हैं और कुछ सिलसिला हम लोग बीच बीच में जारी रखें, क्योंकि अनस सिद्दीकी जी साहब के दोस्त वगैरह सब जुड़े हैं, तो हम अभी बीच बीच में चर्चा करते चलेंगे।
लेकिन जैसे ही वो जुड़ जाएंगे, आसिफ खान साहब, नफीस सलमानी साहब जुड़े हो गए जी। जय हिंद आसिफ भाई, जय हिंद। जय हिंद सर, जय हिंद। कैसे हैं सर? देखिए आसिफ खान साहब, आसिफ आसिफ भाई सर, साहब, मैं समझ पा रहा हूँ, उम्मीद कर रहा आप हूँ कि जब, आवाज सब लोगों को ठीक ठाक आ रही होगी। हाँ अगर आवाज नहीं आ, मेरी आवाज आ रही है ना? जी, आपकी आवाज ठीक आ रही है सर। देखिए आप लोगों को कोई आवाज नहीं आ रही हो तो प्लीज लिख दीजिएगा कि आवाज नहीं आ रही है, क्योंकि ऐसे पता नहीं चलता जी है। मैंने भी ब्लूटूथ लगाया हुआ है, तो उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम ठीक तरह से हम लोग करेंगे। जो श्रद्धांजलि देना है, दो लोगों को श्रद्धांजलि आज हम लोग दे रहे हैं। और जी मन्ना जी, सबसे पहले जितने भी हमारे आरजेएस के साथी और जितने भी देश के पत्रकार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, सबको हमारी तरफ से नमस्कार। जी, मोहम्मद अनस सिद्दीकी साहब, बराबर मुस्कुराने वाले पत्रकार और खोजी पत्रकार कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आप सभी जानते हैं कि वो बड़े विद्वान पत्रकार थे, लेकिन उनको स्टंट भी लगा हुआ था, फिर भी वो पत्रकारिता में सक्रिय थे। जी लेकिन अचानक हार्ट अटैक से हम लोगों के बीच से वो चले गए, और बहुत देर बाद हम लोगों को पता भी चला। तो कुछ फोटोग्राफ्स हैं, उनको पहले दिखाते हैं कि आरजेएस फैमिली से वो जुड़े हुए थे। आसिफ भाई साहब आप भी कई जी बैठकों में आ चुके हैं। अब देखिए यही जी फोटोग्राफ्स जी जो है ना, भगवान और ईश्वर अल्लाह हम लोगों के बीच से छीन कर तो ले जा सकते हैं, लेकिन इन यादों को कैसे छीनेंगे वो? ये तो हम लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। जैसे जैसे आप जी देखिए ये बिल्कुल एनडीएमसी का, ये देख रहे हैं ये वंदे मातरम हम लोग का जो स्टाइल है, और उसी में ये जी जी प्रेस यार सम्मेलन बजट जो इन्वॉल्व होता है, ये उस समय जी की तस्वीर है। तो आप देख रहे हैं कितने दमखम से राष्ट्र प्रथम कर रहे हैं अपने भाई मोहम्मद अनस सिद्दीकी साहब। तो इसको तो जी वो कोई नहीं छीन सकता है, इसको हम लोगों के बीच से कोई नहीं छीन सकता है। ये तो हम लोगों के यादगार है, अब इसी के सहारे हम लोगों को जीना है। ये देखिए एमएस बिट्टा साहब के पास जो है पूरी मीडिया टीम और आरजेएस फैमिली गई थी, और हम लोगों ने जी शपथ जी ली जी थी, जी सकारात्मकता की शपथ। 2 जनवरी 2018 का ये तस्वीर है, जब हम लोग एनडीएमसी में कार्यक्रम करने वाले थे तो बिट्टा साहब के घर पर गए थे, और वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई थी। देखिए आईडी लेकर सब पत्रकार जुटे हुए, लगभग 30 पत्रकार आए थे। उसमें हम लोगों के बीच मोहम्मद अनस सिद्दीकी जी, देखिए हाथ उठा हुआ, मतलब कितना राष्ट्र के प्रति ये प्रेम झलक रहा है। देखिए ये तिरंगा प्रदान कर रहे हैं जिंदा शहीद एमएस बिट्टा साहब को। तो वही मैं कह रहा हूं कि इन यादों को कोई हम लोगों से कैसे छीन सकता है, ये तो दुनिया के आरजेएस अंदर, के। जी बिल्कुल दुनिया के अंदर लोग तो चले जाते हैं, लेकिन जो स्मृतियां रह जाती हैं वो हमेशा हमेशा के लिए अमर होती हैं। इन्हीं बिल्कुल स्मृतियों को हम लोगों ने संजो कर रखा कि आज जो है देखिए चले जाएंगे, और लेकिन इनकी यादें आज इसी बहाने हम लोग पत्रकारिता पर थोड़ी सी चर्चा कर लें। स्टंट लगा हुआ था, राजसहारा में भी थे, और वॉइस ऑफ पॉलिटिक्स इनका अपना यूट्यूब चैनल था, और खोजी जी जी पत्रकारिता के हिसाब और बेशक तर्क करने में, एक बार तो बिहार पुलिस की जो एनुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वहां पर भी मतलब इन्होंने सवाल ऐसा पूछा, मतलब एक तो निर्भीकता, आप समझ रहे हैं जी ना, जी पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस कमिश्नर करते हैं और वो बिल्कुल पूरी भीड़ होती है, पूरे देश मतलब पूरे दिल्ली एनसीआर के जो 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 क्राइम बीट और जो अच्छे पत्रकार होते हैं दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही लोग जाते हैं, जी और बिल्कुल उन्होंने उस बीच ऐसे सवाल पूछे। निर्भीकता का एक उदाहरण मैं दे रहा हूं कि वो कहते हैं नहीं है निर्भीक पत्रकार या निर्भीक अखबार या अलग अलग तरीके से तमगा कहते हैं, तो मोहम्मद अनस सिद्दीकी साहब निर्भीक पत्रकार थे, खोजी पत्रकार थे। कई ऐसी स्टोरीज उन्होंने की हैं जो जो मतलब बड़े चैनल जहां नहीं पहुंच पाते हैं, आजकल यूट्यूब चैनल जो है उन सब चीजों को दे रहे हैं। तो बिल्कुल आसिफ खान साहब, श्रद्धांजलि देते हुए आज आप क्या कहना चाहेंगे आज 8 जुलाई को? मन्ना जी, सबसे पहले तो जो पत्रकारों के लिए जो बातें हैं जो आपने बताई और जो लोगों को
जिस तरीके से आप अब से पहले और राम जानकी संस्थान यानी आरजेएस की तरफ से पत्रकारों को एक यूनिटी के अंदर लाने की जो आपकी कोशिश है, सबसे पहले उसके लिए शुक्रिया। वहीं दूसरी तरफ अनस सिद्दीकी साहब के बारे में जितने भी आपने बातें कही, उन सब बातों को लेकर यहाँ एक चीज निकल कर आती है कि जो हमारे देश में आज पत्रकारिता है और जो पत्रकार हैं और जो निर्भीक पत्रकारिता करते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल के हालात हो चुके हैं। अब से पहले हमने और आपने कई बार इस पर चर्चा की है कि पत्रकारों के लिए कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए राज्य सरकारों की तरफ से, केंद्र की तरफ से, जिसके लिए आप भी जद्दोजहद कर रहे हैं और भी कई संस्थान हैं जो पत्रकारों के लिए इन चीजों के लिए जद्दोजहद में अभी भी लगे हुए हैं। और वहीं अनस सिद्दीकी की अगर बात करें तो अनस सिद्दीकी जो जिस तरीके से आरजेएस से जुड़े हैं, उससे कहीं पहले जब हमारी और आपकी मुलाकात थी उससे पहले अनस साहब से हमारी मुलाकात रही है, और जो उनकी पत्रकारिता थी और उस पत्रकारिता के अंदर जैसे कहते हैं कि जो उनकी कलम आग उगलती थी, धार धार पत्रकारिता थी, जिस पत्रकारिता के शब्द जो जिसके लिए वो लिखते थे, कई बार लोगों को आलोचना लगती तो थी लेकिन उसके बाद में कई ऐसे उनकी मिसालें हैं कि उनके जो कई लेख थे और जो उनके कई आर्टिकल थे उससे बहुत असर पड़ा। तो वहीं जो पत्रकार हैं उन लोगों को जिस यूनिटी के अंदर आना है, यूनाइट होना है, शायद पत्रकार बिखर जाते हैं, लेकिन फिर भी आरजेएस पॉजिटिव मीडिया, हमारी कोशिश यह है कि सभी लोग पॉजिटिव रहें और एक सकारात्मक पत्रकारिता को अनस सिद्दीकी साहब की तरह आगे बढ़ाते रहें। और वाकई जो पत्रकार के एक नाम है कि पत्रकारिता जनता के और सरकार के दोनों लोगों के साथ में एक ब्रिज का काम करती है, वाकई अनस सिद्दीकी साहब ने वो किया। और उम्मीद करते हैं कि जितने भी पत्रकार हैं वो सच में पत्रकारिता करेंगे और पॉजिटिव पत्रकारिता करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में बहुत सारे लोग साथी हमारे साथ में जुड़े हैं, एक बार सभी जितने लोग हैं उनकी तरफ से मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जी आसिफ खान साहब आपका धन्यवाद करेंगे, और वैसे तो ये फर्ज भी है, आप जुड़े, आपके पास सूचना गई और आप जुड़े, ये आपकी भी महानता है कि आप अपने अपने साथी के लिए समय निकाल पाए। मैंने बहुत सारे लोगों को श्रद्धांजलि दी है और मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव कह रहा है कि हम संवेदनहीनता की तरफ भी जा रहे हैं। कोरोना काल में बहुत से लोगों को मतलब डेथ हो गई, उसमें हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन यादों की श्रद्धांजलि देने के लिए आप समय निकाल पाए, अपने जिन लोगों के साथ आपने हंसा बोला और आज वो नहीं है, हम लोगों को भी तो किसी न किसी दिन चले जाना है, हम लोगों को भी तो चले जाना है, लेकिन चले जाने के बाद आप समझिए कि हम लोगों को याद करने वाले कितने लोग हो जाएंगे। और आरजेएस ने तो अपने पूर्वजों की, अपने जो परिजन हैं उनकी स्मृति में महापुरुषों के नाम का राष्ट्रीय अवार्ड घोषित किया है, लगभग 40 अवार्ड जो हैं आरजेएस फैमिली पॉजिटिव मीडिया के लोगों ने अपने ही दादा नाना मौसा ताई की स्मृति में, उनका फोटो लगता है वो प्रशस्ति पत्र बनेगा और भेंटकर्ता का भी फोटो लगता है, वो शायद आपने भी देखा ही होगा क्योंकि वो पूरा सोशल मीडिया पे काफी वायरल भी होता है। तो ये सिलसिला है कि जिंदगी में हर किसी को जाना है, लेकिन हर कोई चला गया तो हम उन्हें भूल जाएं ऐसा नहीं हो सकता, और इसी चीज को आरजेएस ने दमखम के साथ पूरे देश में लोगों को बताया है, एक महसूस कराया है सकारात्मक भारत आंदोलन, ताकि नई पीढ़ी अपने नाना को देख सके, अपने लोगों को देख सके कि देखो हमारे पिताजी ने हमारे दादाजी को कैसे याद किया, तो क्या है कि वो बॉन्ड परिवार में भी मजबूत हो जाएगा, हम लोग जैसा सोचते हैं। तो आसिफ भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मोहम्मद अनस सिद्दीकी साहब को याद किया, और नफीस सलमानी साहब भी जुड़े हुए हैं और उन्होंने वो भी कोशिश कर रहे हैं लेकिन यहाँ जुड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर भी नफीस सलमानी साहब आपकी भावनाएं यहाँ तक हम फेसबुक फ्रेंड्स और आरजेएस पॉजिटिव मीडिया तक पहुंच गई हैं। एक बार फिर से इनके मुस्कुराते चेहरे मोहम्मद अनस सिद्दीकी साहब को दिखाते हैं और इसके साथ जो है अगले कदम पे आते हैं। तो जिस तरीके से उदय मन्ना जी ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये एनडीएमसी के अंदर प्रेस बजट का सम्मेलन था और उसके अंदर जो पत्रकार थे वो लोग वहां पहुंचे थे, और वाकई जो दमखम यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जिस तरीके से मन्ना जी ये तस्वीर आपको लाइव यहाँ पर दिखा रहे हैं,
और ये दमखम वाकई पत्रकारों में होना चाहिए, निर्भक्ता, बिल्कुल जिस तरीके से आपको जो सवाल पूछना है उसमें लाग लपेट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सीधे जनता का सवाल सीधे सत्ता से पूछना चाहिए। तो ये जो तस्वीरें थी मन्ना जी ने दिखाई हैं, ये तस्वीरें वही बयान करती हैं वाकई कि आप अगर सच के साथ हैं तो आप सकारात्मकता को आगे लेकर बढ़ते चले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मन्ना जी, और जितने भी सभी साथी हमारे साथ में जुड़े हैं उन सभी का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और जो कोविड काल में हमारे जितने भी पूर्वज रहे, जो लोग हमारे साथ में हमारे प्यारे थे, वो जिनको भी छोड़कर चले गए, उन सभी को मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ यहाँ आरजेएस पॉजिटिव मीडिया के माध्यम से। बहुत बहुत शुक्रिया जी। और जैसा कि आप जानते हैं कि आकाशवाणी से भी लोग जुड़े हैं, आकाशवाणी से भी लोग जुड़े हैं, मैं अभी देख रहा था। लवलीन निगम जी जुड़ी हैं, अगर वो कैमरे पे आ सकें तो मैं कोशिश करूंगा। अभी आप लोगों का रिक्वेस्ट नहीं आ रहा है तो अब हम चलते हैं, जो ड्यूटी अफसर थे और उनसे आकाशवाणी में मुलाकात होती थी, ड्यूटी अफसर होते हैं जो भी कार्यक्रम प्रसारित होता है तो उसको जो है वो करते हैं। तो रस्तोगी जी थे आकाशवाणी में और उनको श्रद्धांजलि हम लोग दे रहे हैं। अगर लवलीन निगम जी जुड़ती हैं तो उनको यहाँ पर आप लोग भेज सकते हैं। आरजेएस ऑब्जर्वर दीप माथुर जी भी जुड़े हुए हैं, एक बार मैं सबका नाम ले लेता हूँ। लक्की पाल्टा जी सबसे पहले जुड़ी, अनिल कुमार जी, यामिन मलिक जी और नफीस सलमानी जी और भारत न्यूज और रमीज आर्यन जी, अल्ताफ हुसैन जी, ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी जुड़ गए हैं और कुछ नाम यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो पाता। वैभव भारद्वाज जी जुड़ गए हैं, दीप माथुर जी आरजेएस ऑब्जर्वर जुड़, सुनीता राठी, रंजन जी जुड़ गए हैं हरियाणा से, ये तमाम लोग जुड़े हुए हैं। किसी का नाम, विकास झा जी हरिद्वार से जुड़े हैं, आरजेएस फैमिली से हैं, पत्रकार हैं। शालिनी रोहतगी जी, जी शालिनी जी आप रोहतगी जी जय हिंद। तो अब रस्तोगी जी को हम लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। अभी मोहम्मद अनस सिद्दीकी साहब को श्रद्धांजलि दिया हम लोगों ने। आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए हैं या आकाशवाणी दूरदर्शन के ग्रुप में हैं और अब हम लोगों के बीच नहीं है रस्तोगी जी। रस्तोगी जी ने काफी साल आकाशवाणी को दिए और आफ्टर रिटायरमेंट भी ड्यूटी अफसर के रूप में आते रहे और जब कार्यक्रम करने के बाद हम लोग, क्योंकि ड्यूटी अफसर से ही वास्ता पड़ता है, जब आप कार्यक्रम लाइव करने जाते हैं तो ड्यूटी अफसर ही बैठे होते हैं, वो लॉगिंग करते हैं, आपने जो कार्यक्रम किया है नाम लिखते हैं। और तो यही ड्यूटी अफसर आकाशवाणी पार्लियामेंट स्ट्रीट की बात कर रहा हूँ। और बहुत ही हसमुख चेहरे रहे हैं, जी। तो रोहतगी साहब अब हम लोगों के बीच नहीं है लेकिन इन्होंने जो ईमानदारी दिखाई और ये आकाशवाणी दिल्ली से सेवा, इनका पूरा नाम जो था बलराम मनोहर रस्तोगी था और कोविड से 22 अप्रैल 2021 को निधन हो गया, कोविड हो गया था और मोहम्मद अनस सिद्दीकी साहब का हार्ट अटैक हो गया था। इस तरह से जो है वो दुनिया को छोड़कर आदमी चला जाता है। लेकिन खैर आप लोग यहाँ पे देखिए, भारत, हाँ सलमानी जी आपको ऐड कर रहा हूँ लेकिन आंसर नहीं आ रहा है, नेटवर्क के प्रॉब्लम होगी, नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है। अब मैं ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी के पास चल रहा हूँ लेकिन तब तक इस कार्यक्रम को जारी रखते हैं जब तक वो ऐड हो रहे हैं।
तब तक अभी ज्योति बसु की चर्चा कर रहे थे। आप लोग जानते हैं ज्योति बसु पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे और काफी सालों तक वो मुख्यमंत्री रहे, एक रिकॉर्ड बनाया उन्होंने। ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी आपको ऐड कर रहा हूं, तो आप तैयार रहें। और तो पश्चिम बंगाल के दो लोगों का से संबंधित है आज का दिन, ज्योति बसु और क्रिकेटर जो हैं आप जानते होंगे, उनको महान क्रिकेटर कहा जाता है। सौरभ गांगुली जी, ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी आप ऐड हो रहे हैं, तब तक हम कुछ चर्चा जो है जारी रखते हैं। और ज्योति बसु साहब, और ये जन्मदिन है ज्योति बसु साहब का और सौरभ गांगुली क्रिकेटर जो हैं। और ज्योति बसु साहब कम्युनिस्ट राजनीति के पितामह कहे जाने वाले व्यक्ति रहे हैं और किसी राज्य के मुख्यमंत्री पद पर सबसे लंबे समय तक आसीन रहने का अनोखा रिकॉर्ड रहा था और उनकी लोकप्रियता को ये दिखाता है। पश्चिम बंगाल के नहीं जुड़ पा रहे हैं। और सौरभ गांगुली का भी जन्म हुआ था 8 अप्रैल को, और उनके बारे में आप जानते हैं कि बाएं हाथ के इस मध्यम क्रम के बल्लेबाज ने भारतीय क्रिकेट में आत्मविश्वास भरा और टीम की आखिरी गेंद तक भी हार नहीं मानने वाली टीम में रूपांतरित कर दिया और वो कप्तान भी बने थे। आज के ही दिन भारत की खोज वास्को डिगामा ने की थी। 8 जुलाई 1497 को भारत का समुद्री रास्ता खोजने निकले वास्को डिगामा और काफिले में 4 बड़े जहाज और सैकड़ों नावों पर सवार थे 170 लोग। 20 मई 1498 को कालीकट तट पर पहुंचे वास्को डिगामा। इस तरह से भारत की सबसे पहले उन्होंने खोज की थी, विश्व को बताया था, और ये 524 साल पहले केरल के कालीकट तक पहुंचने में लगे थे 11 महीने और भारत की खोज उन्होंने की। आज पुण्यतिथि है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह का, वो भारत के 9वें प्रधानमंत्री थे और इस तरह से हम लोग इनको चंद्रशेखर जी, 3 तुर्कों में इनका नाम आता था 8वें। सिलाई मशीन का आविष्कार आज ही के दिन जो है 9 जुलाई को, मतलब कल के दिन एलायस हाउ ने सिलाई मशीन का आविष्कार किया था। ये भी देखिए सिलाई मशीन का कितना, लेकिन ऐसे शख्स ने सिलाई मशीन दिया इस दुनिया को, इस शख्स को हम लोग नमन करते हैं। और ये हैं एलाउस हाउ और संजीव गुरुदत्त और संजीव कुमार जी का भी जन्मदिन है। गुरुदत्त आप जानते हैं, प्यासा फिल्म याद आ जाएगी, तो गुरुदत्त जी को भी हम लोग श्रद्धांजलि देते हैं। आज के दिन इस महान फिल्मी हस्ती ने जन्म लिया था। और संजीव कुमार की तो कई फिल्में हैं, आपने देखी भी होंगी, संजीव कुमार बहुत अच्छे और कई कैरेक्टर करने वाले में एक ही साथ कई कैरेक्टर ये कर लेते थे, ऐसी भी फिल्में इनकी बनी हैं। और इनका बचपन का नाम वैसे हरिभाव जरीवाल था, लेकिन फिल्मी दुनिया में संजीव कुमार के नाम से प्रसिद्ध हुए। फिल्मी दुनिया में नायक, सहनायक, खलनायक और चरित्रकार की भूमिका निभाया। और कोशिश भी बड़ी अच्छी फिल्म थी, शोले, अंगूर, त्रिशूल, पारस, अनामिका, खिलौना, मंचली, शतरंज के खिलाड़ी, सीता और गीता, आंधी, मौसम, विधाता, दस्तक, नया दिन नई रात, इस तरह की फिल्में इनकी थी। एक और निर्माता निर्देशक जो है के बालाचंदर, जिन्होंने की एक दूजे के लिए फिल्म से आप कर सकते हैं, तो के बालाचंदर साहब का भी आज जो है जन्मदिन है, के बालाचंदर साहब। और निर्माता निर्देशक पटकथा लेखक थे और एक दूजे के लिए फिल्म इनकी फेमस थी, अपूर्वा, रामागल, अवरगल, 47 नटकल, सैंधु भैरवी, इस तरह की फिल्मों से ये जुड़े रहे। आप जानते हैं कि बॉलीवुड के जो लीजेंडरी अभिनेता थे वो हम लोगों के बीच अब नहीं रहे, और बहुत बड़ी महान शख्सियत दिलीप कुमार साहब, यूसुफ खान साहब, लेकिन आज नहीं है, 98 साल की उम्र में आपका निधन हो गया। हम लोगों ने टीम आरजेएस की तरफ से इनको श्रद्धांजलि दी थी और हिंदुजा अस्पताल में ये थे,
काफी दिन से कई बार बीमार हो जाते थे, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि इनकी पत्नी जो है सायरा बानो लगातार मौजूद रही इनकी सेवा, मतलब ये भारतीय संस्कृति कहें कि किस तरह से अपने पति की सेवा इन्होंने की है, और मृत्यु के समय भी वो उनके साथ थी। एक रियरिस्ट तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सायरा बानो और दिलीप कुमार साहब का, ये है भारत की बात। ये जो है सायरा बानो के बारे में तारीफ जितनी भी की जाए वो कम है, वो भी फिल्म अभिनेत्री रही हैं, स्टार रही हैं, इश्क प्यार मोहब्बत प्रेम की बेहतरीन मिसाल पेश किया है सायरा बानो ने। जीवन के आखिरी सांस तक यूसुफ खान यानी कि दिलीप कुमार साहब के साथ साथ खूब निभाया। इंसानी जिंदगी जब जब देख रहे हैं कि किस तरह से नेगेटिविटी फैली रहती है, और ये छोटी छोटी मिसालें जो हम लोग दे रहे हैं वो जीवन में एक प्रेम और विश्वास पैदा करती हैं, प्रेरणा देती हैं, तो सायरा बानो की जितनी तारीफ की जाए उतना ही कम है उन्होंने। अब आइए चलते हैं कि आरजेएस में सकारात्मक भारत आंदोलन मैं जी ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी को ऐड कर रहा हूं फिर से, क्योंकि वो प्रभारी हैं और उन्होंने काम शुरू कर दिया है सकारात्मक भारत आंदोलन को लेकर। ये तस्वीर जारी की है डॉक्टर नरेंद्र टेसर जी ने, जो कि केंद्रीय कार्यालय में प्रभारी हैं, और उन्होंने ये जारी की है, साधक ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी प्रभारी आरजेएस सकारात्मक भारत सूचना केंद्र पटना। तो अब ये पटना से काफी एक्टिव हो गए हैं और काफी कुछ चीजें आ रही हैं, मैं उनको ऐड कर रहा हूं उनकी बातों को सुनने के लिए, और उनका एक कथा श्रृंखला शुरू हो गई है। अब रोजाना आप लोगों को कथा श्रृंखला, जैसे ये आज की है तीसरी श्रृंखला है, एक अनोखा प्रेम विवाह आरजे सकारात्मक लघु कथा श्रृंखला 3 आरजे सूचना केंद्र पटना बिहार की प्रस्तुति, तो आप रोजाना सुन सकते हैं ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी की कथा जो है लघु कथा आप लोग सुन सकते हैं, या पटना केंद्र से जो प्रस्तुति होगी वो आप लोगों तक पहुंचाई जाएगी। सकारात्मक भारत आंदोलन जो है उसका केंद्रीय कार्यालय दिल्ली में है, लेकिन अब सूचना केंद्र जो है देश के अन्य राज्यों में प्रभारी बनाए जा रहे हैं, और वो लोग वहां से लोगों से चर्चा करेंगे। सकारात्मकता क्या है? सकारात्मकता यही है दूसरों के बारे में सोचना, दूसरों को कष्ट नहीं देना, और जब हम लोग एक दूसरे को सहयोग करने लगेंगे तो फिर इस दुनिया का आप जानते ही हैं कि बदल जाएगा। लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम ये हो रही है कि जुड़ नहीं पा रहे हैं, उसकी क्या वजह है आप कैमरे में देखिए, आपका ज्वाइनिंग का कोई ऑप्शन आ रहा हो तो आप यहाँ पर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, आप जब भेजेंगे तो आप जी। ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी जुड़ गए हैं, अभी ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी का तस्वीर चर्चा चल रही थी जी। जय हिंद ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी, अब बोलिए। जय हिंद जी, वंदे मातरम। कैमरे में देखिए, कैमरे में लाइट जलाल, कैमरे में देखिए जी जी। झुनझुनवाला जी, आज आपने एक अनोखे प्रेम विवाह पर लघु कथा भेजी थी जो यूट्यूब पर लगी जी 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 जी। हाँ, तो बताएं, एक साधक हैं आप, अध्यात्म से में रुचि है, और प्रभारी हैं आप आरजे सकारात्मक भारत सूचना केंद्र पटना के, तो आपने बैनर भी पीछे लगाया हुआ है, और बताएं कि आज की कथा जो थी वो किस विषय पर आधारित थी, और कल की जो थी वो किस विषय पर आधारित थी? आपकी पिछली कथा का हमारी हर एक कथा का एक ही एक विषय होता है। कैमरा एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि आप हाँ थोड़ा और ऊपर अपना चेहरा ले जाइए, हाँ थोड़ा और ऊपर, और ऊपर, हाँ और ऊपर, हाँ बस अब ठीक है, अब बोलिए इसी पर, हाँ बोलिए। वंदे मातरम, राष्ट्र प्रथम, भारत एक परिवार, ये हमारे थीम है, और हमारा परिवार के विषय में जो हमारी सकारात्मक आंदोलन का, सकारात्मक लोगों को बनाने का जो मुहिम आरजेएस ने दी है, मैं उसी मुहिम की थीम को आधार पर कथा वाचन करता हूं जी। तो ये थीम जो थीम में सुबह सुप्रभात संदेश में कोशिश करता हूं कि वो थीम आप तक पहले ही पहुंच जाए कथा वाचन के।
और शाम को भी मैं सकारात्मक सोच जो हमारी है उसका स्मगन करता हूँ और लोगों के पास भेज देता हूँ, साझा कर लेता कई ग्रुपों में भेज देता। हाँ, एक आप ग्रुप में जो है ध्यान यज्ञ का भी एक प्रोग्राम शुरू किए हैं 10:30 बजे वो आप करते हैं, 2 मिनट का मौन व्रत और एक म्यूजिक भी आप भेजते हैं। ध्यान यज्ञ जो है ये सबके आत्मा का सब के स्वामित्व जो हम हैं उसकी शक्ति है, ये शक्ति है सर्वज्ञता सर्वशक्तिमता और सर्व सामर्थ्य, ये तीनों शक्ति का समुच्चय ही ध्यान यज्ञ के का सकारात्मक सोच जो हम लोग करते हैं वो सोच एक दूसरे के साथ जोड़ने का ही एक तरीका है। तो बहुत हम लोग सोने के समय अगर 2 मिनट का ये म्यूजिक जो भेजा जाता है इसमें 2 मिनट का वो मैं जिस सब्जेक्ट पर जिस थीम पर सकारात्मकता पर ये मैं करता हूँ ध्यान और वो थीम में भेज देता हूँ म्यूजिक के रूप में, 2 मिनट का म्यूजिक सुन लेने से उस तरह की जो थीम उसके अंदर है वो सकारात्मकता की सोच जो हमारे भाई बहनों की है वो सक्रिय हो जाती हैं, उद्दीप्त हो जाती हैं और वो और इसलिए अगर इसमें आप 2 मिनट का मौन रख लेते हैं तो इसका फल ये होता है कि इसका प्रभाव जन जन तक पहुंचता है, जितने लोग हम लोग 2 मिनट समय देंगे एट ए टाइम वो उतना बड़ा फोर्स बनता है सकारात्मकता को आगे बढ़ाने के लिए, उसको सक्रिय रखने के लिए और नकारात्मकता से बचाव के लिए। इसी थीम के साथ ये मैं बहुत दिनों से करता आ गया हूँ, अब इसे RJS के मीडिया के माध्यम से दूर दूर तक लोगों तक पहुंचाने का मेरा एक छोटा सा प्रयास। चलिए अब सुना रहे हैं वो म्यूजिक जो मौन ध्यान यज्ञ का है, आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। झुंझुरवाला जी ये तो स्वास्थ्य में भी लोगों को बेहतर करेगा, जो म्यूजिक का जो धुन है वो लोगों को एकदम शांत कर दे रहा है, मानसिक शांति में संगीत। हाँ,
इस म्यूजिक में आप लोग फील किए होंगे, जो भी दर्शक इसको सुने हैं, जो भी हमारे भाई लोग अभी संसर्ग में है, संपर्क में है, उन्हें सुना होगा चुप होकर, तो उनको महसूस हो गया होगा कि उनका मानसिक टेंशन, मन हल्का हो गया है और जिस चीज के लिए वो चिंतित थे वो उसमें सफलता की आगंभ हो गई है, परिणाम आना आगंभ हो गया। ये खुद समझ सकते हैं मेरे कहने से या किसी के कहने सुनने से नहीं होता, ये आपको खुद ही आपको समझ में आएगा। अगर समझ में नहीं आती है तो हमारे ध्यान जग में त्रुटि है कि आप तक पहुंचाने के लिए मैं उतना लेवल तक एक्टिव नहीं हो पाया हूं, ध्यान मेगा उस लेवल तक नहीं पहुंचा है, तो उस आपके लेवल तक पहुंचने के लिए मुझे एक ही आवश्यकता है कि आपका कमेंट मिले, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही कमेंट मेरे लिए लाभदायक हैं और सबके लिए लाभदायक होंगे, यह मेरा विश्वास है। ये मैंने बहुत दिन से किया है, मेरे युवा टोली के चंद सदस्य इसमें साथ देते हैं, वो इससे पूर्ण रूप से सहमत और अनुभव गम्य हो चुके हैं, आप भी हो सकते हैं जी। लेकिन एक बात है कि मैं साधक हूँ, एक मैं गुरु नहीं हूँ, मैं महात्मा नहीं हूँ, मैं महापुरुष नहीं हूँ, तो मैं साधक हूँ, तो मेरी साधना तभी सफल होगी जब आपका सहयोग और कमेंट मिलेगा जी। और इसमें एक चीज कि जब इसके बाद सोने का उपक्रम करना चाहिए, क्योंकि आप म्यूजिक सुन लिए, मन को शांति मिल गई, तो मन को शांति के साथ आपको शयन करना चाहिए। ये शयन काल में इसलिए किया जाता है कि मान लिया जाए कि मैंने 9 बजे 9:30 बजे 10 बजे में करता हूँ सुबह, कभी लेट भी हो जाता है, उससे मतलब नहीं है। ये म्यूजिक सोने के पहले ही याचक को सुनना चाहिए, किसी भी पाठक को, जब सोने लगे तो आराम से सोइए और इसकी साउंड इतनी धीमी रखिए कि आप ही सुने, आपके बगल में दूसरा सोया हुआ है तो उसकी नींद डिस्टर्ब नहीं हो। ऐसा करने से आपको इसका अनुभव कुछ दिन करने के बाद आप खुद इसका अनुभव फील करेंगे, मेरे कहने पर कुछ नहीं होगा कि ये होता है ऐसा होता है, ये मेगा अनुभव हो सकता है आपको भी, ऐसा अनुभव आपको खुद प्राप्त करना हो। अच्छी चीज, लोगों तक पहुंचाने का, ग्रुप तक पहुंचाने का काफी प्रयास किया है और धीरे धीरे इसकी संख्या भी मैं देख रहा हूँ कि बढ़ रही है और लोग उस पर कमेंट भी कर रहे हैं और बाहर से भी कमेंट आ रहे हैं, आपके झारखंड से भी आ रहे हैं, इस पर कमेंट लोग कर रहे हैं। और तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी। अंत में यही बता दीजिए, इसका इसके आरजेएस का मैं बहुत शुक्रगुजार महसूस करता हूँ, जिन्होंने मेरे इस थीम को, मेरे इस काव्य को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है, इसका कोई मैं मूल्य नहीं चुका सकता जी। सकारात्मक कार्यों और सकारात्मक प्रयासों को जन जन तक पहुंचाने का ही लक्ष्य है सकारात्मक भारत आंदोलन। और ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी, आप जुड़े, आपने समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों के माध्यम, आप लोगों का ही ये प्रोग्राम है और आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि 24 जुलाई सकारात्मक भारत दिवस किस तरह से पूरे देश का दिवस बनने जा रहा है। इस बार चूंकि 7वां स्थापना दिवस है आरजेएस का, राम जानकी संस्थान का 7वां स्थापना दिवस है और इसको बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है और एक आरजेएस फैमिली का ग्रुप को के प्रभारी आप भी हैं, वैसे सुमन जी उसको देख रही हैं, तो महिलाओं का के लिए एक विशेष सत्र जो है वो आयोजित 1 घंटे का किया जा रहा है, बाकी सामान्य लोगों के लिए 1 घंटे का अलग से वेबिनार होगा।
तो ये सकारात्मक भारत दिवस को लेकर तैयारियां चल रही हैं, और 2007 से लेकर सकारात्मक भारत आंदोलन का जो बीजारोपण हुआ था उनके भी जो आयोजक थे वो लोग भी इस वेबिनार में जुड़ेंगे। 80-90 लोगों के अगले भव्य वेबिनार में शामिल होने की उम्मीद है। लेकिन ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी, ये सब कुछ जो हुआ है वो प्रेरणा कहीं ना कहीं से मिलती है, समाज के अंदर काम करने की जो प्रेरणा है, आपने अभी आरजेएस की वो की तारीफ की कि आरजेएस का एक मंच मिला हमें और हमें अपनी बात जन जन तक पहुंचाने के में सहयोग मिल रहा है, तो आपको बहुत संतुष्टि मिल रही है। लेकिन ये जो आरजेएस है ये किस किन ऐसे कौन महान लोग हैं जिनकी प्रेरणा से ये आरजेएस शुरू हुआ और आज 25 राज्यों तक पहुंचा है? आज एनिवर्सरी है वो प्रेरणा स्रोत का, श्री रामजग सिंह जी और श्रीमती जनक दुलारी जी ये प्रेरणा स्रोत हैं और आज आरजेएस फैमिली तक ये इस बात को पहुंचा रहे हैं कि आज के दिन जो है 1957 में शादी हुई थी और आज एनिवर्सरी है। तो श्री रामजग सिंह जी और श्रीमती जनक दुलारी देवी जी, और मैं श्री रामजग सिंह और जनक दुलारी देवी के इस पावन उत्सव को, मेरी ये सकारात्मक सोच है कि ये उत्सव को हम मना रहे हैं लेकिन इसका प्रतिफल सभी जन लोकवासियों के जेहन पर पड़ेगा, वे सकारात्मक होंगे। नमस्कार जी। जी स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि रामजग सिंह जी और श्रीमती जनक दुलारी देवी जी और ये सकारात्मक भारत आंदोलन का जो पटना जो हुआ था, जिसको डॉक्टर के अग्रवाल जी ने बैनर को लॉन्च किया था दिल्ली में 8 अक्टूबर से 22 अक्टूबर 2019, उस समय ये बैठक आयोजित की गई थी और उसमें आप दोनों शामिल हुए थे, आप दोनों का सम्मान किया गया था आरजेएस फैमिली पॉजिटिव मीडिया की तरफ से। तो ये चीज आपके पास पहुंचा रहे हैं जी। तो झुंझुनवाला जी धन्यवाद। तो इस तरह से आपने सुना, और श्री ओम प्रकाश, श्री रामजग सिंह जी, श्रीमती जनक दुलारी देवी जी की बेटी श्रीमती इंदु सिंह जी जुड़ी हुई हैं। इंदु सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आज के फेसबुक लाइव में जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह से सकारात्मक भारत आंदोलन में बातचीत करने के लिए आप लोग अपना यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजें। वैभव भारद्वाज जुड़े हुए हैं, दीप माथुर जी जुड़े हुए हैं, तो आप लोग भेजेंगे तो आप लोगों को ऑन कैमरा, क्योंकि 24 जुलाई को लेकर बहुत बड़ी तैयारी जो है वो चल रही है। 80-90 लोगों को पहली बार जो है कश्मीर से कन्याकुमारी तक के जो आरजेएस फैमिली जुड़ी हुई हैं उन सभी लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है, और महिलाओं के लिए विशेष सत्र होगा। इस पर मैं आमंत्रित करूंगा दीप माथुर जी को कि वो आए और कुछ मार्गदर्शन करें। आरजेएस ऑब्जर्वर हैं दीप माथुर जी, उन सभी श्रोताओं को, दर्शकों को का अभिनंदन कर रहे हैं। लेकिन कैमरे पे आने के लिए अगर यहाँ पे कोई ऑप्शन आए तो मैं ऐड कर लूंगा। अभी कोई मेरे पास आया नहीं है ऐड करने के लिए। आप लोगों का अगर आता है तो मैं ऐड कर लूंगा। और आप जानते हैं कि कल 43 मिनिस्टर्स जो हैं वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हुए, भारत सरकार के मंत्री। उसके बाद अब कोई चेंज आने की उम्मीद हो सकती है, जो कार्यक्रम वगैरह चल रहे हैं उन सब चीजों पर अब नए लोग नए तरीके से विचार करेंगे। मंत्रालय में आपको कुछ नया चीज देखने को मिलेगा, इसीलिए चेंज इज लाइफ, चेंज किया जाता है। और दीदेवार जी का रोजाना जो है आप लोग सुना कीजिए, और जिन लोगों ने आरजेएस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको कर लीजिए, क्योंकि कभी भी आपका भी इंटरव्यू जो है वो आरजेएस पॉजिटिव मीडिया के चैनल पर दिखाया जाएगा। तो ये क्योंकि आपका ही चैनल है ये, और आपके चैनल के माध्यम से भी, जैसे दीदेवार जी सकारात्मक भारत विचार श्रृंखला आज 23वां एपिसोड सुनाया जा रहा है। रोज सुबह ये अध्यात्म से संबंधित जो है, जैसे अपने अपनों के साथ कठोरता नहीं,
मधुर रिश्ता रखने में ही जीवन का आनंद है, दिदेवार विचार श्रृंखला 23 भाग है ये। तो इस तरह से रोजाना आपको ग्रुप में मिलता है दिदेवार जी का, और आप लोग उसको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, उसके पैसे नहीं लगते हैं, लेकिन सकारात्मक भारत आंदोलन में वही आपका एक योगदान माना जाएगा। और आपको एक और जानकारी देना चाहेंगे कि 9 जुलाई को शाम 7 बजे फेसबुक लाइव होगा, पीर पराई जानी रे। ये कलाकारों को, चूंकि अभी कोरोना काल में काम वगैरह बंद हो गए थे सभी लोगों के, लेकिन कलाकार बचेंगे तभी तो रचेंगे, तो उनको सेव द आर्टिस्ट ऐसा प्रोग्राम पीर पराई जानी रे कलाकारों के लिए आयोजित, इस मुहिम में आप जुड़िएगा। और उसका मैं लिंक आपको यहाँ पे डिस्प्ले कर देता हूँ, वैसे ग्रुप में भी आप ऑन डिमांड आपको मिल सकता है, ये लिंक है लाइव ऑन फेसबुक, तो इससे भी आप लॉग इन कर सकें। यूट्यूब का भी लिंक है, तो ये है पीर पराई जानी रही, कलाकारों को लेकर कल शाम 7 बजे होगा सेव द आर्टिस्ट। तो इन सब चीज़ों पे भी हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए, देखना चाहिए, अच्छी चीज़ें जहाँ भी हो रही हैं उसकी जानकारी भी रखनी चाहिए और देखना भी चाहिए, समय निकालना चाहिए, यही उस पर चर्चा करनी चाहिए, इसलिए हम लोग सकारात्मक चीज़ों की चर्चा करते हैं। और जुड़ने के लिए यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो ये टेक्निकल चीज़ें भी हमें जाननी चाहिए कि हम कैसे फेसबुक लाइव में जुड़ सकते हैं। पहले तो फेसबुक लाइव में वन वे होता था, लेकिन अब हम लोगों ने इसको शुरू कर दिया है कि किस तरह से आप जुड़ सकते हैं। तो इसमें जब जुड़ेंगे तो आपकी विचार, आपकी वाणी, दृश्य और श्रव्य दोनों ही यहाँ पे पहुँच जाएगी। आपके पास कमेंट बॉक्स है, आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन दृश्य और श्रव्य दोनों ही का उपयोग करते हुए आप अपने विचार को यहाँ पर रख सकते हैं और बातचीत हो सकती है। जैसे आज हम लोगों ने श्रद्धांजलि भी दी, जो आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए थे आज नहीं है, दिवंगत हो गए, तो उन लोगों को श्रद्धांजलि दी। रस्तोगी जी थे, आकाशवाणी के सेवानिवृत्त थे, उनका निधन हुआ, कोविड से हुआ और हार्ट अटैक से डेथ हुआ, मोहम्मद अनस सिद्दीकी साहब का। तो आरजेएस फैमिली है, वो जिंदगी के साथ भी है, जिंदगी के बाद भी है। और आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान जो है वो आप जानते हैं कि अगला कार्यक्रम जब भी होगा, कोरोना के समय हम लोगों का स्थगित हो जा रहा है, आगे एक्सटेंड कर गया है, लेकिन जब भी कार्यक्रम होगा, बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा, बहुत कई राज्यों के लोग जो है आएंगे। इंदु सिंह जी ने भी एक अवार्ड घोषित किया है, डॉक्टर सत्येंद्र सिंह जी और श्रीमती इंदु सिंह जी ने अपने दादाजी और माता पिता दोनों के स्मृति में, तीन लोगों की स्मृति में, दादाजी और अपने माता पिता रामाश्रय प्रसाद जी और चचेरी देवी जी, जो कि सांडा मसौड़ी बिहार के निवासी थे उस गांव के, और मई के महीने में ही डेथ हो गई आपके माता पिता की, तो डॉक्टर सत्येंद्र सिंह जी और श्रीमती इंदु सिंह जी ने ये अवार्ड घोषित किया है। अभी ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी से आप लोग मिल रहे थे, ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी ने भी डॉक्टर यूपी सिन्हा जी जो PMCH पटना के डॉक्टर थे, उनकी स्मृति में धनवंतरी जी के नाम का अवार्ड घोषित किया है ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी ने। और दीप माथुर जी ने भी स्वयं अपनी स्वर्गीय धर्मपत्नी श्रीमती शोभा माथुर जी की स्मृति में स्वामी विवेकानंद जी के नाम का अवार्ड घोषित किया है। दीप माथुर जी RJS के ऑब्जर्वर हैं, इन्होंने भी स्वयं घोषित किया है। तो ये सब जानकारी भी साथ साथ चलते रहनी चाहिए। बहुत बड़ा देश को संदेश देने का RJS का जो सकारात्मक भारत आंदोलन है, इसको आप लोग अपने और अपनों के बीच चर्चा का विषय बनाएं। हम लोग चर्चा का विषय अगर बनाएंगे तो सकारात्मक भारत आंदोलन आपके लिए ही और आपके अपनों के लिए ही लाभदायक होगा। और महिलाओं पर विशेष ध्यान जो है जून महीने से दिया गया है, आधी आबादी को लेकर हम लोग अब साथ चल रहे हैं, दो ग्रुप बन गए हैं, एक ग्रुप सुमन जी देख रही हैं और एक ग्रुप जो है वो डॉक्टर पुष्कर बाला जो जमशेदपुर में है वो उस ग्रुप को देख रही हैं। नीरा अरोड़ा जी हैं, YWCA की सेंटर के इंचार्ज थी, वो उसको देख रही हैं और हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। महिलाओं का जब वेबिनार होगा उसमें सिर्फ महिलाएं रहेंगी, 1 घंटे के लिए सेशन होगा और उसके बाद सभी लोगों के लिए ओपन सेशन होगा और उसमें सभी जुड़ सकते हैं। तो लिंक के लिए पर्सनली भेजा जा रहा है, आपने देखा होगा कि
जो लोग ऑन डिमांड गंभीर हैं इस वेबिनार के लिए, वो लोग फोन करके अपना नाम बता देते हैं, उन्हीं लोगों को लिंक भेजा जाता है। तो इस तरह से सकारात्मक भारत आंदोलन जो है वो आपका है, आपके लिए है और आपके द्वारा ही चल रहा है, और काफी लोग जुड़े। उन लोगों ने अनस सिद्दीकी साहब को के संस्मरण सुनाए क्योंकि वो लोग भी उनके साथ थे, नफीस सलमानी जी, आसिफ खान जी, मोहम्मद अनस सिद्दीकी जी के बारे में दो शब्द श्रद्धांजलि दिए, और आकाशवाणी के जो सेवानिवृत्त कर्मी थे रस्तोगी जी, तो उनको भी आज श्रद्धांजलि दी गई। तो इस तरह से हम लोगों का जो सिलसिला है वो चलता रहेगा, लेकिन अब कार्यक्रम समय समाप्त होने का है, वैसे 5 मिनट का समय है, तो आप लोगों के सजेशंस जब आएंगे, सुझाव आएंगे, तो उसमें से कुछ संभावनाएं निकलेंगी, उन संभावनाओं को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। बस इस बार ध्यान रखिए कि सकारात्मक भारत दिवस है, सकारात्मक भारत दिवस बहुत बड़े ऑडिटोरियम में मनाया गया था 2019 में, उसके बाद तो इस साल, पिछले साल कोरोना के चलते हम लोग वेबिनार किए थे सकारात्मक भारत दिवस को लेकर, लेकिन इस बार भी वेबिनार ही होगा, लेकिन इस बार बड़े पैमाने पर होगा, और कश्मीर से कन्याकुमारी तक के लोग लोगों को जोड़ने की कोशिश होगी, और 2007 से जो सकारात्मक भारत आंदोलन के बीजारोपण में जो लोग शामिल रहे हैं उन लोगों को भी आमंत्रित किया जा रहा है। दो दो मिनट का समय सब लोगों को दिया जाएगा, जो लोग भी सकारात्मक भारत आंदोलन के बीजारोपण में शामिल थे उन लोगों को भी इस वेबिनार में 24 जुलाई को बुलाया जाएगा, वो 12 बजे से उस वेबिनार में जुड़ेंगे, और महिलाओं के लिए अलग से वेबिनार जो होगा उसमें सिर्फ महिलाएं जुड़ेंगी, और आरजेएस के जो कार्यकारिणी के लोग हैं वो लोग ऑब्जर्व करेंगे, मॉडरेटर भी महिलाएं होंगी, स्पीकर भी महिलाएं होंगी, और जो चीफ गेस्ट हैं वो भी महिला होंगी। तो एक महिलाओं को एक सम्मान देने का विशेष सत्र जो है वो आरजेएस ने बुलाने का निर्णय लिया है, इससे महिलाओं के अंदर आत्मविश्वास आएगा कि आरजेएस फैमिली महिलाओं को लेकर बहुत कुछ सोच रही है, और महिलाएं जब जागरूक हैं और उन लोगों के दिमाग में सकारात्मक भारत आंदोलन अगर आ गया तो आप समझिए कि दिन दुना चौगुना जो है आरजेएस सकारात्मक भारत आंदोलन जो है ये भारत भर में पहुंचना आसान हो जाएगा, क्योंकि महिलाओं की एक शक्ति, महिला शक्ति होती है, और उन लोगों को इस बार जो है वो सम्मान के साथ, आदर के साथ बुलाया जा रहा है। इसलिए दो ग्रुप बना दिए गए हैं, और 20 तारीख तक लक्ष्य है कि दोनों ग्रुप में 200-200 महिलाएं शामिल होने चाहिए, उसकी कोशिश की जा रही है, और उन कोशिशों में हम लोगों को कामयाबी मिलेगी, वो कामयाबी वेबिनार को सफल बनाएगा, और ये संदेश जो है सकारात्मक भारत दिवस जो कि 7वां स्थापना दिवस है राम जानकी संस्थान का, हम लोग 6 साल पूरे करने जा रहे हैं, 7वां स्थापना दिवस होगा, छठा वर्षगांठ होगा 24 जुलाई, इसको पूरे भारत में आप लोग भी चर्चा कीजिए, क्योंकि सकारात्मक शब्द जहां आ जाता है वहां पर आपके बातचीत का तरीका, तौर तरीका भी बदल जाता है, सोच का दायरा जो है वो संकुचित से, संकीर्णता से व्यापकता में आ जाता है, हम व्यष्टि से समष्टि की ओर चले जाते हैं, हम व्यक्तिवाद नहीं हो पाते हैं बल्कि समाज की तरफ हमारा ध्यान चला जाता है, तो समाज को लेकर हमारा चिंतन शुरू हो जाता है, तो यही सकारात्मकता है, एक दूसरे का किस तरह से हम सहयोग कर सकते हैं विथ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन टूटने ना पाए, डिसिप्लिन अगर टूट गया तो कुछ नहीं रहेगा, इसलिए हमारे और आपके बीच में एक डिसिप्लिन, एक प्रोटोकॉल वो रहना चाहिए, और उसके बाद हम लोग इस अभियान को बहुत दूर तक 24 जुलाई को फैलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी, ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित करना पड़े, कि प्रेस को बताना पड़े कि इस बार कश्मीर से कन्याकुमारी से कौन कौन लोग जुड़ रहे हैं और उन लोगों की क्या मंशा है, सकारात्मक भारत की चर्चा कितनी हो रही है, उस प्रेस रिलीज के माध्यम से प्रेस वालों को बताकर हम लोग हो सकता है कि 24 से पहले ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दें, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है, और इसलिए आप लोग उत्साह बनाए रखिए और आरजेएस पे विश्वास बनाए रखिए कि आपका सकारात्मक भारत भवन
दिल्ली के अंदर बन जाए तो बाहर से आने वाले जो भाई बहन हैं उन लोगों को कितनी सहूलियत होगी। ये है जो दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए नहीं बल्कि बाहर से जो आने वाले आरजेएस फैमिली पॉजिटिव मीडिया के लोग हैं उन लोगों को आरजेएस किस नजरिए से देख रहा है। यही है एक दूसरे का ख्याल रखना। दिल्ली के अंदर सबको जरूरत पड़ती है, भारत की राजधानी है और यहाँ पर आने वाले लोगों को अपने घर जैसा व्यवहार मिले, घर जैसा आचार विचार मिले तो कितना आनंद आएगा। तो इसमें सब लोगों को लगना पड़ेगा, सब लोगों को कोशिश करनी पड़ेगी, इसको फैलाना पड़ेगा और सकारात्मक सोच के साथ हम लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा। और घड़ी की सुई का इशारा है कि 9 बज गए हैं जो कि हम लोगों का फेसबुक लाइव समाप्त करने का समय होता है, लेकिन फिर भी मैं देख लेता हूँ तो आप लोगों का रिक्वेस्ट नहीं आया है, जानकारियों का भी अभाव हो सकता है क्योंकि दृश्य और श्रव्य दोनों में अगर आपकी बातें आती हैं तो वो लाजवाब हो जाता है। तो अब जय हिंद कहने की अनुमति आप लोगों से चाहेंगे और फिर शनिवार और रविवार को सायं 8 बजे किसी और नए मुद्दे के साथ, किसी और नए विचार के साथ हम लोग मिलेंगे और बातचीत करेंगे। आप लोग भी कुछ विचार लेकर आइए, अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए, अपने मोबाइल से आप लाइव जुड़िए जैसे ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी जुड़े थे, तो हम लोग कुछ बातचीत करेंगे। जैसे आप आज आपको मौन ध्यान यज्ञ का म्यूजिक भी सुनने को मिला और वो जुड़े, उन्होंने इसका मतलब भी बताया, बहुत अच्छी बात है कि शांति के साथ अगर आप सोते हैं तो निश्चित रूप से अगला दिन आपका बड़ा शांतिमय होगा, आप फ्रेश होकर उठेंगे। रात को सोते समय ध्यान यज्ञ आप ध्यान करते हैं, म्यूजिक हल्का सुनते हैं तो आपकी पूरी रात जो है आपकी अच्छी गुजरती है। जय हिंद, जय भारत।